तीर्थों का स्मरण करो, सारे ब्रजवासी खड़े होकर के जब सारे तीर्थों का स्मरण करे, बोले अभी आँख खोलो। जब उन्होंने आँख खोले ना, देखा पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, मान सरोवर है, बद्रीनाथ के सारे को सारे तीर्थ वहीं पर आ गए और सबके सब प्रकट होकर के इन्होंने ब्रजवासियों का दर्शन किया। ब्रजवासियों ने दर्शन नहीं किया, ब्रजवासियों का कृपा पाने के लिए आए, क्योंकि ये ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये भगवान कृष्ण की परिकर है, ये कोई साधारण नहीं। इसलिए ब्रज में ऐसे कोई तीर्थ नहीं। आप कोई मथुरा जाओगे ना, वहां पर विश्राम घाट है, वहां 24 घाट देखोगे, जितने सारे तीर्थ है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवध्या, सब लाइन पर ही खड़े। आप वृंदावन में जाओगे ना, सारे तीर्थ आप वहीं पर देखोगे। अगर कोई ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर ले, इसको परिक्रमा करने के लिए कितना दिन लगता है, बोले 1.5 महीना। अगर चल करके करोगे, दिन में अगर 15-20 किलोमीटर चलोगे, ये 1.5 महीना में जा करके ये परिक्रमा 1.5 महीना में पूरी होती है। लेकिन हमारे मंदिर से कुछ भक्त लोगों ने ये व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे 8 और 9 दिन के अंदर में, लेकिन ये गाड़ी में जाना पड़ेगा, पैदल में नहीं, गाड़ी में 7-8-9 दिन के अंदर में ये संपूर्ण 84 ब्रजमंडल परिक्रमा को करने का व्यवस्था की है। अगर किसकी इच्छा हो ना, हम भी 7-8 दिन के अंदर में ये 84 ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे। इसलिए नियम है जीवन में एक बार ये ब्रज दर्शन करनी चाहिए, जहाँ पर सारे तीर्थ है। अगर जिनकी इच्छा होगी हमारी मंदिर से, कितना तारीख से क्या है, 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक 7-8 दिन में ये संपूर्ण गाड़ी में ही रहने का, खाने का, गाड़ी में ले जाने का सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। अगर किसकी इच्छा होगी, हम भी ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहते हैं, आप लोग उनको साथ में जोगाजोग कर सकते हैं। हाँ, उनको साथ में आप लोग जोगाजोग कर सकते हो। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति हो, कौन है, हाँ प्रभु जी, इनको साथ में, अरे महेश्वर प्रभु है ना, हाँ इनको साथ में जोगाजोग करेगा तो ये व्यवस्था कर देंगे। आप इनको साथ में कैसे कंटेक्ट करोगे, कैसे क्या करोगे, ये व्यवस्था कर देंगे। प्रभु जी जो बैठे हुए, इनको साथ में आप कंटेक्ट करोगे, ठीक है। बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। श्री जो जगन्नाथ है ना, देखो जगन्नाथपुरी में एक बार क्या हुआ, कोई एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ को पुरी में रहता था, इनकी इच्छा हो रही थी, बोले भैया मेरी मन में इच्छा है काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाओ, बड़ी तमन्ना है काशी विश्वनाथ जाओ। लेकिन वो रोज क्या करते थे, श्री जगन्नाथ जी को रोज दर्शन करते थे, रोज दर्शन करते थे। जगन्नाथपुरी में जो गए हैं देखना, वहाँ पर 22 पहाच, मतलब 22 वहाँ पर स्टेज सीढ़ी है, अगर उसका क्रॉस करोगे ना, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन, ऊपर में जगन्नाथ जी का दर्शन है। अभी जगन्नाथ जी ने देखा कहाँ रोज मेरे दर्शन करना है, अनंतपुर विश्व कृष्ण ही जगन्नाथ जी है और कोई नहीं, इसलिए रोज मेरे सेवा और मेरे पूजा करता है। और इसकी मन में इच्छा क्या है, ये बद्रीनाथ जाएगा, कहाँ पर जाएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और श्री काशी विश्वनाथ जाएगा। एक दिन जब वो सवेरे सवेरे जगन्नाथ जी की आरती दर्शन करने जा रहा था, देखा वो 22 सीढ़ी को नीचे एक वृद्धा आदमी बैठ करके तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, भैया आप कौन हो, रोज देखता हूँ आप यहीं पर बैठे हुए हो, देखो क्या कहता है, बोले मैं स्वयं काशी विश्वनाथ हूँ। हरी बोल। कौन हूँ मैं, स्वयं काशी विश्वनाथ हूँ। बोले ये सीढ़ी को नीचे बैठ कर तपस्या क्यों कर रहे हो, बोले कब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हो, अभी तक भी ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए नीचे बैठ करके मैं तपस्या कर रहा हूँ। बोले क्या, मैं तो काशी विश्वनाथ जाने के लिए बड़े दिन से तमन्ना है, लेकिन जिस जगन्नाथ जी को दर्शन मैं रोज करता हूँ और काशी विश्वनाथ क्या कर रहे हैं, वो 22 सीढ़ी पर नीचे बैठ करके अभी भी तपस्या कर रहे हैं ठाकुर को दर्शन करने के लिए, बोले अभी तक भी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ। फिर तो उसकी मन से बस काशी विश्वनाथ दर्शन करने की इच्छा खत्म हो गई। बोले साक्षात जब जगन्नाथ जी को दर्शन कर लिए, कभी जगन्नाथ जी की श्री चरण में गंगा जी के चरण से प्रकट हुई हैं, गंगा जी के चरण की दास में जब श्री जगन्नाथ जी को हम दर्शन कर लेते हैं,
इसलिए इनका नाम ही जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब क्या है? जो जगत का नाथ है, जगत का जो नाथ है श्री जगन्नाथ जी। पर ये जगन्नाथ जी के रूप ऐसे क्यों हुआ है? देखा इसका कहानी, बहुत सारी कथा है, एक दो कथा सुनाई। ये बारिश देख लो बंद होते ही हम निकल जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये जगन्नाथ जी, ये कृष्ण जगन्नाथ जी, ये कृष्ण ही है जो बलदेव प्रभु है ना, ये दाऊ भैया उनके बड़े भैया, और बीच में जो बैठे हुई कभी इनकी बहन ये सुभद्रा देवी है। अभी क्या हुआ, जगन्नाथ जी एक दिन ब्रज की कथा सुनते सुनते, एक दिन कृष्ण अपना वृंदावन में गोपियों की कथा, ब्रजवासियों की कथा, ब्रज के पशु पक्षियों की जो प्रेम की कथा सुनते सुनते, अब विशेष करके श्री राधा रानी की चिंतन करते करते और उनकी प्रेम की बात सुनते सुनते, एक दिन जगन्नाथ जी कृष्ण स्वयं बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, अभी कृष्ण कहाँ पर, अभी कृष्ण द्वारका में है, अभी कृष्ण द्वारका में। जब बेहोश हो गए, बोले भैया बड़ी गड़बड़ी हो गई, ये तो राधा रानी की चिंता करते करते बेहोश हो गई। बोले ये होश कैसे आएगा? इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी उपस्थित हो। तब बोले नारद जी तुम एक काम करो, तुम थोड़ी सी वृंदावन की थोड़ी भजन गाओ, बड़े सुंदर वृंदावन का कोई कीर्तन गाओ, जिसको कृष्ण सुनते सुनते उनका होश आ जाए। नारद जी ने कहा देखो मैं तो इनकी भजन कीर्तन कर सकता हूँ, अगर कृष्ण अगर जग गए ना, चूँकि वो वृंदावन की कथा स्मरण करते 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 बहस होगी, अगर वो जग गए तो फिर तुम्हारी द्वारका में नहीं जाएंगे, फिर तो कृष्ण वृंदावन ही चली जाएंगे, क्योंकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है ऐसे प्रेम और किसी का अंदर नहीं है, बड़े गड़बड़ी हो जाएगी। बोले भैया क्या किया जाए? बोले एक काम करो, किसी एक व्यक्ति को वृंदावन में भेजो और ब्रजवासियों को बोले देखो कृष्ण आ रहे हैं, और हम क्या करेंगे कृष्ण को ले करके ना, फिर घुमा फिरा करके सबसे मिला करके फिर हम वापस ले आएंगे। बोले किसको भेजा जाए? बोले एक काम करो उद्धव जी को भेजो। बोले क्यों? बोले जो उद्धव है इसका नाम है उद्धव। उद्धव मतलब क्या है? बोले उद्गतः तमः, बोले जिससे संपूर्ण रूप में सत्व रज सम तीन गुण जो निकल गए, वो विशुद्ध रूप में निर्गुण है, भगवान की एकनिष्ठ भक्त श्री उद्धव है, जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव जी तू मेरे जितने प्रिय है ना, कहते उतना प्रिय मेरे बेटा श्री ब्रह्मा भी नहीं, अभिन्न स्वरूप श्री शंकर भी नहीं, कहते मेरे लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरी भैया भी नहीं, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं। उद्धव बुद्धि सतम, बड़े बुद्धिमान, बड़े तीव्र बुद्धि, इतने बुद्धिमान उद्धव जी थे, इसी जगत में उनको पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं मिले, इसलिए उनको पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ा, स्वर्ग में बृहस्पति को पास में जाना पड़ा। बोले ये उद्धव जी को भेजो, ये उद्धव समझा क्या, फिर कृष्ण को वापस ले आए। उद्धव जी ने कहा भैया मैं नहीं जाऊँगा। बोले क्यों? बोले मैंने एक बार वृंदावन कृष्ण मेरे को भेजे थे, मैं एक बार गया था और मैंने वहाँ पर ब्रजवासियों का प्रेम को देखा, जब से कृष्ण ब्रज छोड़ करके आए तब से कोयल कूदती, मयूर केका नहीं करते, बछड़े दूध नहीं पीते, गैया घास नहीं खाते, गोपियाँ तो बेहोश होकर के हैं उद्धव क्यारी में बेहोश होकर पड़ी हुई, और राधा रानी को जो स्थिति हमने देखा वर्णना नहीं कर सकता हैं, और सिर्फ मैया जसोदा तो बेहोश होकर के गिर पड़ी हुई, आंखों का आंसू जैसे नाली जैसे बह रही है पर्ण लगा, और नंद बाबा का तो होश खुदबुद नहीं मैंने देखा, मैंने अपना आंखों से ये चीज को हमने देखा, और देख करके मैंने ये सब देख करके मैंने प्रतिज्ञा करके आया था मैं कृष्ण को ले करके ही आऊंगा, लेकिन मैं जब जब कृष्ण को बोलता हूँ ना, कृष्ण तेरे को पता है ये ब्रजवासी तेरे को कितने प्रेम करते हैं, इसलिए तू एक बार चल करके जा करके उनको दर्शन दे करके आओ। कृष्ण सुन करके थोड़े आंखों से तो आंसू बहाते हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं ले पाया, और उनसे बोल करके आया था मैं दो दिन बाद में लेकर के आ रहा हूँ, अगर फिर जा करके बोलूँ ना कृष्ण बोले आ रहे हैं, बोले तो देखो वही झूठा फिर आ गया, पहले बोल करके आया था अभी तक ला नहीं पाए, पहले दाऊ भैया को बोलो
बोले भैया मेरी भी स्थिति यही है, मैं भी एक बार गया था, कृष्ण तो गया ही नहीं, और मैंने अपना गोपियों के साथ में रास किया, सखाओं के साथ में मैंने खेला की, थोड़ी सी इनको तो सांत्वना दी, लेकिन जो कृष्ण की जो गोपियां और राधा रानी को मैंने सांत्वना नहीं दे पाई। मैंने बोल करके आया था कृष्ण को ले करके आऊंगा, लेकिन अभी तक भी ले नहीं पाया। अगर जा करके बोलूँ ना, बोले कि देखो फिर वही झूठा फेरा है, बोल करके बोले भैया फिर किसको भेजा जाए। सुभद्रा देवी बोली तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं स्त्री है ना, स्त्री स्त्रियों में आसानी से मिल जाती हूँ। बोले जा कर मैं मिल जाऊँगी, भैया की गोद में बैठ जाऊँगी, गोपियों के अंदर में चली जाऊँगी, सबको मैं समझाऊँगी, और समझा करके बोले कृष्ण अभी अभी आ रहे हैं। द्रौपदी को रेडी किया, द्रौपदी बोले ठीक है मैं चलूँ। लेकिन आप लोगों को पता होगा, पहले माताओं को लड़कियों को कोई भी घर से बाहर कहीं अकेले निकलने नहीं देते थे। क्यों? रावण उठा कर नहीं ले जाए, रावण उठा करके ले नहीं जाए है। इसलिए स्त्रियों को कभी भी कोई लड़की जाएगा तो पितामह पे जाएगा, पत्नी जाएगा तो पति जाएगा, बगैर कोई बेटा कोई भाई के बगैर कोई भी माताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाती थी। इसीलिए हमारी जो संस्कृति ये सब सही था। इसलिए कभी बड़े बूढ़ों को पूछो कभी डाइवोर्स नाम सुनो नहीं, अभी इतना क्यों डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन बोले नहीं हम तो पुरुष के बराबर बने। बोले क्या जूता हील जूता पहन करके लंबी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी ना, इसलिए नहीं, इसलिए इतनी सारी गड़बड़ी हो जाती है। पहले लड़की को खाली ज़्यादा उम्र सियानियाँ हो गई ना, बस उसको शादी दे दो, अपना पति के घर में जाए और वहीं पर घर गृहस्थ बैठा कर के रहे, इसलिए सबके सब सही हो जाते थे। लेकिन अभी कोई भी कोई बात सहन करने के लिए राजी नहीं है। जैसे हम ड्रेस कपड़ा बदलाते हैं ना, ऐसे सबके सब पति पत्नी बदलाना शुरू कर दी। बोले नहीं हम अपना बहन को अकेले कैसे छोड़ देंगे, अकेले नहीं छोड़ सकते। इसलिए श्री बलदेव प्रभु बोले भैया मैं भी साथ में चलूँगा, बहन को कैसे हम छोड़ देंगे। इतने बोले काम करो तीन रथ बना, पहले बलदेव प्रभु जाएंगे, बीच में सुभद्रा अपना बहन, इसलिए बहन को अपना बीच में रखेंगे अपना बहन को, और पीछे से कृष्ण पीछे से आएंगे। बोले नारद जी आप थोड़ी सी एक सुंदर कीर्तन करो। बस नारद जी बड़ा सुंदर उन्होंने राधा कृष्ण की इतने प्यारी उन्होंने कीर्तन की, बड़े सुंदर उन्होंने कीर्तन किए। एक थोड़ी दो लाइन कोई कीर्तन का लो तो बेटी, कोई दो लाइन कीर्तन का लो, अनुभव माधुर्य जोड़ी गाओ, दो लाइन अनुभव माधुर्य जोड़ी गाओ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय जय
अभी कृष्ण ब्रज की कीर्तन सुनते 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 की होश आया तो कृष्ण इतने में वृंदावन के लिए कृष्ण दौड़ पड़े। इतने में ब्रजवासी बलदेव प्रभु बोले कन्हा हमें पता था तो वृंदावन के लिए दौड़ोगे, इसलिए कोई चिंता मत करो हम तीनों चलेंगे। हैं पहले मैं चलूंगा, बीच में पहली सुभद्रा चलेगी और बाद में कजश्री कृष्ण कन्या चलेगा, तुम चलोगे। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ में बैठ करके कहाँ चल पड़ी, कभी श्री वृंदावन के लिए चल पड़ी। जब चल रहे थे लेकिन उद्धव क्या हुआ देखो, राधा रानी कह रही हैं हे ललिते मैं और प्राण धारण नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं प्राण त्याग करने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले श्याम सुंदर ने कहा था मैं आज जा रहा हूँ, कल सुबह बद करके परसों आ जाऊँगा, लेकिन ये परसों बोल करके बरसों बीत गए अभी तक वो कृष्ण आया नहीं। कब तक ये धीरज धारण करूँ, मैं अभी प्राण त्याग कर रही हूँ। देखो एक काम कर लेना, मैं चाहता हूँ मैं मरने का बाद जब भी मेरे शरीर में जो पांच तत्व है वो भी कृष्ण सेवा में मिल जाए। बोले ललिते मेरे शरीर में जो पानी है ना, कृष्ण जिस तालाब में जल विहार करते हैं वो पानी को उसमें छोड़ देना। जब कृष्ण जल विहार करेंगे उनकी शरीर को स्पर्श करके अपना जीवन को मैं धन्यवाद। कृष्ण जहाँ पंखा भगवान को झुलाते हैं कृष्ण को, वहाँ पर मेरे शरीर में जो वायु वहीं पर लेकर छोड़ देना। जब कृष्ण का पंखा झुलाएंगे हवा रूप में कृष्ण की मैं सेवा करूँगा। मेरे शरीर में मेरे जो मिट्टी है वो मिट्टी कृष्ण जहाँ पर खेलते हैं वहीं पर छोड़ देना। कम से कम कृष्ण जब क्रीड़ा करेंगे उनकी चरण का स्पर्श करके मैं अपना जीवन को धन्य करूंगी। कहते मेरे शरीर में जो आकाश है कृष्ण जहाँ पर गोचारण करते हैं वहीं पर छोड़ देना। मैं आकाश में भगवान की कृष्ण को मैं सुंदर जैसे फुहरा में पानी होता है ना, उससे फुहरा जैसे इंद्रदेव जैसे कृपा कर रहे, ऐसे ही मैंने फुहरा रूप में भगवान को स्नान कराऊंगा। इसलिए मेरे शरीर में जो अग्नि है इसको सूर्य का किरण में मिला देना, कृष्ण के शरीर को मैं ताप दूंगी। मरने का बाद में भी मैं चाहता हूँ मेरे शरीर में जो पंच तत्व है वो कृष्ण की सेवा में लग जाए। मैं अभी मैं प्राण त्याग कर रही हूँ, राधा रानी तो प्राण त्याग करने जा रही थी और इतने में श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँच गए। जो पहुँच गए इतने में ललिता बोले हे राधे तो प्राण त्याग मत कर, श्याम सुंदर आ गए तेरे प्रिय तुम आ गए। अभी जगन्नाथ कृष्ण जब वहाँ पर पहुँचे और राधा रानी को देखा लेट हुई और राधा रानी के शरीर में जो कृष्ण प्रेम जो दिव्य उन्माद श्वेत कंप अश्रु विवर्ण जो अष्ट सात्विक जो विकार राधा रानी में प्रकट हो रहा था, कृष्ण जब राधा रानी का प्रेम को देखते हुए ना प्रेम को दर्शन करते हुए जो जगन्नाथ जी देख रहे हैं ना इतने बड़े बड़े आंख हाथ नहीं, स्वयं कृष्ण राधा रानी की प्रेम को दर्शन करते 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 जैसे कोई आश्चर्य चीज देखो ना आप भाड़ भाड़ कर देखते हैं, ऐसे ही कृष्ण राधा रानी के शरीर में जो प्रेम को देखा बोले इसको पहले मैंने ऐसे प्रेम कभी नहीं देखा। इसलिए राधा रानी के प्रेम को दर्शन करते 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 कृष्ण स्वयं उनका हाथ पैर सब के सब द्रवीभूत हो गया गल गया और जगन्नाथ जी कृष्ण ऐसे दोनों हाथ आंख नाक जगन्नाथ जी की रूप हो गया। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अभी वहां पर श्री बलदेव प्रभु भी थे। अभी बलदेव प्रभु ने जब उन्होंने कृष्ण की ये प्रेम को दर्शन राधा रानी का प्रेम को देखा प्रेम को दर्शन करते हुए श्री बलदेव प्रभु उस तरफ पे देखो बलदेव प्रभु है। इतने बलदेव प्रभु राधा रानी को प्रेम को दर्शन करते 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 ऐसे उन्होंने द्रवीभूत हो गए, श्री बलदेव प्रभु भी ऐसे बन गए। अब बीच में जो उनके बहनी सुभद्रा को देखे बीच में ये भी दोनों भैया की ये रूप देख करके और राधा रानी की प्रेम को दर्शन करते हुए उन्होंने भी प्रेम में द्रवीभूत हो गई और द्रवीभूत हो करके कहते जो सुभद्रा है ना देखो ये भी ऐसे बन गई।
और इतने में वहां पर श्री सुदर्शन भगवान की हाथों की जो सुदर्शन चक्र था वो चक्र भी ये रूप को दर्शन करते 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 चक्र भी उनको जगन्नाथ के पास ही सुदर्शन चक्र है ये द्रवीभूत होकर नकली जैसे हो गई। इतने में श्री नारद जी बिना बजात 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 श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए। बोले श्री नारद की। जब श्री नारद जी वहां पर प्रकट हुए प्रभु की ये लीलाओं को दर्शन करते हुए नारद तो बिना उठा उठा करके नाच नाच करके कूद कूद करके नारद जी बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय वृंदावन में किसके नाम लेते हैं? जोर से बोलो राधे राधे। वृंदावन में सब जो श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है जो इनकी तत्वों को सही सही जानता है ना, जो सही सही इनके तत्व जानता है ये है कौन? बोले स्वयं कृष्ण राधा रानी की प्रेम की इतने महिमा स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र केवल राधा रानी की प्रेम को दर्शन करते हुए ये तीनों ने द्रवीभूत होकर के ये रूप धारण किया। ये जो रूप है ये भगवान के प्रेममय विग्रह है, ठाकुर जी की प्रेममय विग्रह श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। इतने में अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा जी की प्रेम को देकर के ये तीन रूप धारण कर लिए। जब धारण कर लिए इतने में श्री नारद जी बिना बजात बजात श्री नारद जी वहां पर आए और नारद जी आकर के जब उन्होंने वृंदावन की कीर्तन करना शुरू की। अभी उन्होंने कीर्तन सुनते 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 फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा फिर कृष्ण बलदेव और श्री सुभद्रा रूप में पुनः प्रकट हुए। जब प्रकट हुए आज जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न कृष्ण इतने प्रसन्न थे क्योंकि बड़े दिनों में उन्होंने श्री ब्रजवासियों की तथा
और राधा रानी की उन्होंने दर्शन किए, इसलिए इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न। कृष्ण ने कहा नारद जी बड़े दिनों में आज मुझे इतने आनंद मिले, कभी ऐसे आनंद मिले हैं, इसलिए आज तुम मेरे पास में जो कुछ मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयार हूँ, बताओ तेरे को क्या चाहिए। बोले प्रभु अगर मेरे को वरदान देना चाहते हो, आप ये जो रूप आपने धारण किया हो इसी रूप को लेकर के श्री जगन्नाथपुरी में आपकी सेवा हुई, अगर एक बार कोई ये रूप को तुम्हारी दर्शन कर ले और तुम्हारी प्रसाद व सेवा करे, मेरे को ये वरदान दो जैसे जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के जैसे भगवत धाम को गमन करे। इसलिए ये कलयुग में बोले ये इसी रूप को जो दर्शन करेगा और उनके प्रसाद पाने पर जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगा, ये वरदान दो। तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु बोले, बोले ठीक है मैं ये वरदान देता हूँ, मेरे को दर्शन मेरे प्रसाद को जो सेवा करेगा वो जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगा। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री बलदेव प्रभु की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय, बोले श्री सुदर्शन चक्र की जय। इसलिए कभी ये एक कथा है, ये तीनों ठाकुर ऐसे रूप क्यों बने। अभी कृष्णा जो जगन्नाथ जी का मंदिर जो पूरी गए हो देखना, वहाँ दो मंदिर है, एक तो जगन्नाथ जी का मंदिर है लेकिन उसको मानी जाती है द्वारका, लेकिन ठीक 3 किलोमीटर में और एक मंदिर है जिसको गुंडीचा मंदिर कहते हैं। बोले ये गुंडीचा मंदिर क्या है, बोले जो इंद्रदुम्न राजा जिन्होंने ये ठाकुर जी को प्रकाशित किया उनकी पत्नी का नाम थी गुंडीचा। क्या नाम थी, क्या नाम, कहते राजा ने राजा के अंदर में जितने भक्ति थी उससे ज्यादा भक्ति थी उनकी पत्नी गुंडीचा के अंदर में, लेकिन ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो प्रकट हुए ना उनकी पत्नी की वजह से ये प्रकट हुए, क्योंकि किस्सा में कुछ संतों ने कभी उन्होंने पूरा तीर्थ भ्रमण करते करते कभी जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने एक ठाकुर जी को दर्शन किया था जिसका नाम था नील माधव। क्या नाम था, ये ठाकुर जी बड़े सुंदर ठाकुर जी जिनके चरण से स्वयं गंगा प्रकट हुई। वो संतों ने जब वहां पर आकर के इसी चातुर्मास महीना में जगन्नाथपुरी आए और उन्होंने कहां कहां उन्होंने दर्शन किया सब जगह की कथा सुना रहे थे, और पहले पहले जो राजा रानी होते थे अभी का जैसे नहीं, अभी तो हमारे सौभाग्य है श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। कौन है जानते हो ये नरेंद्र मोदी क्या करता है, ये जो माला है ना ये माला दो माला सवेरे अपना एक्सरसाइज करता है योगा करता है उसको बाद में ये नरेंद्र मोदी ये दो माला जप करता है, और गीता का रोज एक श्लोक गीता का रोज नरेंद्र मोदी एक श्लोक को खुद पढ़ता है और ये दो माला हरिनाम करता है। देखो ये हरिनाम में 3 नाम है, हरे कृष्णा और राम, कितना नाम है 3। हरे मतलब क्या है, जो हमारी दुख कष्ट को हर ले, इसलिए उनका नाम हरि। कृष्ण मतलब मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, हाँ इधर उधर हमारा मन भटकती है। क्री मतलब होता है ये भटकते हुए मन को जो भटक रही है, इसलिए उनका नाम क्री। बोले स्ना मतलब क्या, बोले आनंद प्रदान करे, मतलब मन को भटकने नहीं दे और जीवन में हमें जो आनंद प्रदान करे। बोले राम का मतलब क्या है, बोले जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे, जीवन में आराम बस शांति सुख हमें जीवन में शांति सुख जो प्रदान करे, इसलिए उनका नाम हरे कृष्णा और राम, इसमें 3 नाम है, हैं? इसलिए आप बोलोगे नाम करने से क्या होता है, बोले नहीं ये जो जगत है ना सारे शब्दों के ऊपर में ये सारा जगत चलता है, सारे शब्दों के ऊपर में। अगर आपको थोड़ी कोई मीठी बोली बोल देना खुश हो जाते, लेकिन अगर थोड़ी सी कड़क बात बोला तो बस क्रोध हो जाते हैं, क्रोध हो जाते हैं। इसलिए ये भगवान का नाम अभी ये नरेंद्र मोदी अभी भगवान के नाम स्वयं जप करता है, गीता रोज स्वयं पढ़ता है, हैं? इसलिए महात्मा गांधी का नाम सुने हो, कौन कौन महात्मा गांधी का नाम सुने हो, ये महात्मा गांधी बोलता था इनके ऊपर में इनका टीका है,
इसको नहीं कर सकूंगा। इसलिए ये महात्मा गांधी ये बोलता था, तुम माता जी तुम थोड़ा पीछे चले जाओ। इसलिए महात्मा गांधी ये बोलता था, जीवन में अगर हमें कहीं विपत्ति पड़ी, अगर इसका कोई सोल्यूशन दिया है, ये भगवत गीता दिया है। ये महात्मा गांधी स्वयं कहता था, ऐसे जीवन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जीवन में ऐसे कोई समस्या नहीं जिसका समस्या का हाल ये भगवत गीता में है नहीं। ये नरेंद्र मोदी अभी जिस विदेश में कहीं भी जाता है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर को जानता है, क्या देता है, क्या देता है, ये भगवत गीता। अभी इसको ने हर भाषा में उन्होंने भगवत गीता को निकाले। नरेंद्र मोदी जाकर हर देश का प्राइम मिनिस्टर को उनकी भाषा में ये भगवत गीता उनको प्रदान करता है। अभी पृथ्वी के सारे हैं, सारे जितने प्राइम मिनिस्टर है तो सबके सब गीता पढ़ना शुरू कर दिया, सबके सब गीता भाग पढ़ते ही है। इसलिए गीता ऐसे एक दिव्य ग्रंथ है, ये भगवत गीता ऐसे एक दिव्य ग्रंथ है। इसलिए कहते श्री बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की बल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 10 मिनट है ना, हाँ। ठाकुर जी को अच्छे तरह से ठाकुर जी को श्रृंगार करके, ठाकुर को बांध करके रेडी करो, फिर हमें खबर देना, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। बल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो किस माला, हरे कृष्ण। इसलिए कहते श्री जो जगन्नाथ बलदेव जो सुभद्रा है, कहते ये ठाकुर जी बड़े दयालु ठाकुर जी, बड़े कृपालु ठाकुर श्री। इसलिए वो संत लोग आए कहाँ पर, जगन्नाथ पुरी में, उनने सारी जगहों की कथाओं को सुनाई, लेकिन उन्होंने सुनाए, देखो हमने तो हर जगह तीर्थ में गए, लेकिन एक जगह में जब गए ना, वो सबसे सुंदर ठाकुर वहां पे, बोले कौन सा ठाकुर, बोले श्री नील माता, जैसे गिरिराज गोवर्धन, वहां पर महानदी बहती है, और वहां पर कटहल का पेड़ है, आम के पेड़ है, नारियल का पेड़, बड़ा सुंदर दिव्य अद्भुत स्थान, जिनकी चरण से स्वयं ये गंगा देवी स्वयं प्रकट हुई। अभी रात को जब उन्होंने कथा सुनी, राजा और राजा इंद्र दुम्न उनकी पत्नी का नाम भी बूंदी चांद, जब रात को जब दोनों विश्राम करने के लिए आए, इतने में उनका जो पत्नी थी ना, राजा को अंदर में जितनी भक्ति थी उसकी ज्यादा भक्ति उनकी पत्नी में थी। इसलिए पत्नी ने कहा, तुमने सुने हो, वो कह रहे थे कोई एक नील माधव ठाकुर बड़े सुंदर है, कल जब जाएंगे ना सत्संग में, हम पूछेंगे वो नील माधव कहाँ है, फिर हम दोनों नील माधव दर्शन करने के लिए चलेंगे। राजा बोले कोई बात नहीं, कल चलेंगे पूछेंगे। लेकिन वो रमते जोगी बहते बाणी, जब सवेरे आए ना वो संत लोग तो चले गए, राता राती कहीं चले गए। अभी रानी तो बड़ी दुखी हो गई, बोले भैया ये ठाकुर जी कहाँ, में पता ही नहीं चला। अभी रानी अभी राजा को पीछे पड़े गए, देखो बहुत तीन तरह का हर्ट है, एक होता है बाल हर्ट, देखना बच्चा अगर हर्ट कर लेगा, जो चीज की हर्ट करके जब तक नहीं दोगे तब तक रोना बंद नहीं करता। एक होता है जोगी हर्ट, जोगी हर्ट मतलब जब संत लोग भगवान को पाने के लिए जो हर्ट करते हैं, जब तक ठाकुर जी हमें नहीं मिलेंगे तब तक अपना भजन नहीं छोड़ेंगे। तीसरा हर्ट होता है स्त्री हर्ट, आप लोगों ने कभी हर्ट किए भी नहीं, अगर पत्नी अगर पति को पीछे पड़ेगा, हमें ऐसे साड़ी चाहिए, हमें ऐसे गहना चाहिए, जब तक पति नहीं देगा ना तब तक पत्नी क्या करेगी, रोटी फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, सीधी बात करेगी नहीं, ये कुछ को कहते स्त्री हट। देखो लेकिन ये अगर हट अगर अच्छी काम के लिए होना फिर बड़ा पार हो जाता है। इसलिए गुंडीचा देवी, जो गुंडीचा देवी पत्नी थी, वो कृष्ण भक्त थी, उसने हट की, राजा किसी तरह से पता लगाओ, क्या पता लगाओ, ये नील माधव कहाँ पर, हम ठाकुर का दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखो पत्नी की दो रूप है, कितना रूप है, एक जोग माया एक महामाया, यही स्त्री हमें सीधा नरक ले जा सकती है, यही स्त्री हमें सीधा वैकुंठ ले जा सकती है। स्त्री का दो स्वरूप बताया, अगर ये महामाया का रूप धारण करे ना
बोले नहीं चलो सिनेमा देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, हमारे लिए लिपस्टिक ले आओ, क्रीम ले आओ, साड़ी ले आओ, हैं? अगर ज्यादा भोगी हो ना उसी का नरक ले जाएगा। लेकिन अगर पत्नी बोले नहीं भैया सत्संग में चलो, हरिकथा में चलो, चलो ठाकुर का धाम दर्शन करने के लिए चलो, पर वही पत्नी जो कमाया रूप में हमें भगवान तक ले जाती है। इसलिए बोले स्त्री का दो स्वरूप है, एक महामाया और एक जोग माया। इसलिए यही जोग माया ही भगवान को साथ में जोड़ देती है। देखो राजा की कितने कल्याण करती पत्नी, पत्नी कैसे पति को वैकुंठ ले जा सकती है। अभी पीछे लग गई, पता लगा वो नील माधव कहाँ है, हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। राजा ने अपना सैन्य सामंत को बुलाया, चार दिशाओं में भेज दिया, ये नील माधव कहाँ पर पता लगा। लेकिन उसमें एक उनका पुरह कुल पुरहित था जिसका नाम था विद्यापति, वो ब्राह्मण बड़ा बुद्धिमान था। राजा को ऐसे लग रहा था मानो ये नील माधव ये दक्षिण दिशा में रहते हैं, इसलिए उनको विशेष करके उन्होंने दक्षिण दिशा में भेजा। बोलते जब तक ये नील माधव को तुम पता नहीं लगाओगे ना तब तक वापस ले लाना। अभी तीनों दिशा में वापस आ गए लेकिन विद्यापति वापस नहीं आया। और ढूंढते ढूंढते घोर जंगल में प्रवेश किया। जब शाम हो गया देखा एक गांव में टिमटिमाते तो हुए वहां पर कुछ लाइट जल रही है, तो उसी गांव में पहुंचा। पहुंचा तो वो था भीलों का वो था गांव। वहां पर जाकर के पूछा एक रात में रुकना चाहता हूँ, कहीं रुक सकता हूँ? बोले हाँ, यहाँ पर एक बड़े धार्मिक व्यक्ति जिसका नाम विश्वा बसु, उनकी एक बड़ी प्यारी लड़की जिसका नाम ललिता है, ये बड़े अतिथि सेवा करते हैं, आप उनके घर में रोक सकते हो। जब उन्होंने वहां पर गए, लेकिन उसका पिता गया था नील माधव को पूजा करने के लिए, घर में उनकी अकेली बेटी श्री ललिता थी। जब इनके घर में पहुंचे बोले देखो अभी पिताजी बाहर गए हुए हैं, जब तक पिताजी नहीं आएंगे तब तक आपको घर में घुसने का अधिकार नहीं दे सकता हूँ, आप बाहर बैठ करके रहो, पिताजी आए मेरे घर में घुसना। जब पिताजी नील माधव की पूजा करते हुए आए, ठाकुर को अगुर कर्पूर चंदन से श्रृंगार करते हैं, इनके शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू आ रहा था। जब उन्होंने वापस आए तब उन्होंने विद्यापति ने देखा इनकी शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू आ रहा है, ये आए कहाँ से, ये खुशबू क्यों आता है? इतने में इन्होंने क्या किया, उनको लड़की ललिता को पूछा तुम्हारे पिताजी रोज जाते हैं, शाम को जब आते हैं शरीर से बड़ी सुंदर खुशबू निकलता, वो कहाँ जाते हैं? बोले वो जाते हैं नील माधव। वो भैया इतने नील माधव को ढूंढते ढूंढते आए थे। बोले देखो मेरे पिता ने बताया इसको बोलना नहीं, लेकिन मैंने तो आपको बोल दिया है। उसने क्या किया, उसको साथ में शादी कर ली, अभी पति पत्नी हो गए। जब पति पत्नी हो गए बोले देखो तुम सबरी हो, तुम भील जाति की, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैंने शादी की केवल ठाकुर को पता लगाने के लिए, इसलिए तुम अपना पिताजी को पूछना कि ठाकुर जी कहाँ, मेरे को एक बार दर्शन करा दे। पिताजी ने कहा देखो उसको तो ले जाएंगे लेकिन आत्मा में ताला पट्टी बांध करके। तो उन्होंने बोले बताओ मेरे राजा को कैसे दर्शन कराओ। उसकी बेटी ने बोला एक काम करो, आपका हाथ में मैं कुछ सरसों दे दूँ, आप जब ले जाएंगे ना आंख बंद करके आप ये सरसों को रास्ता में गिराते गिराते जाना, अभी श्रावण की महीना आएगी बारिश ही होगा तो अपने आप पेड़ उगेगा, पता चलेगा कहाँ लेकर गए थे। खैर उन्होंने ऐसे ही उन्होंने करवाए और उन्होंने श्री नील माधव जी को उन्होंने दर्शन करा दिए। बोले श्री नील माधव की, और दर्शन करके उन्होंने राजा को जब बुलाने के लिए गए, राजा सैन्य सामंत लेकर के आए, देखा ठाकुर जी वहां पर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने सोचा ये विश्वा बसु ये भी ने कहीं ठाकुर जी को छुपा दिया है, बोले इसको बंदीशाला में डाल दो। जब बंदीशाला में डाल दिया इतने में आकाशवाणी हुई, बोले महाराज इंद्रदुम्न ये जो नील माधव स्वरूप है इसी स्वरूप में मेरी दर्शन नहीं मिलेगा, मैं श्री जगन्नाथपुरी में दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी रूप में मैं बहते बहते आऊंगा और उसी से ही मेरे रूप तुम रूप बन उसको बनाना। सचमुच से जाकर के देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन लकड़ी रूप में बहते बहते जगन्नाथपुरी आए। जब उन्होंने उठाने के लिए कोशिश की तस से नसीली हुए, इतने में उन्होंने स्वप्न दिया देखो मेरे दो सेवक हैं जो विश्वा बसु है ना जो भी उसको ले आओ,
और ये विद्यापति मेरे भक्त हैं, सोने की सिंहासन बनाओ, कीर्तन करते करते हमें ये सिंहासन में बैठा करके हमें कीर्तन करते 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 ले जाओ। तब ले करके जब आए तब उन्होंने बुलाया है जो लकड़ी जो मूर्ति बनाने वाले महाराणा को बुलाया, लेकिन वो लकड़ी इतनी कठिन था, जब उसको बनाने के लिए जाए ना छड़ी टूट जाए, थोड़ी सी खोरच तक भी उसमें नहीं आई। इतने में स्वयं जगन्नाथ जी एक वृद्ध ब्राह्मण बन करके आए। अनंत महाराणा के रूप में बोले, महाराज मेरे लिए एक घर बनाओ, मैं 21 दिन में ये ठाकुर जी को बना दूंगा, लेकिन उसको पहले मेरे दरवाजा नहीं खोलना। 14 दिन तक तो लकड़ी काटने का आवाज आई, 15 दिन में सारी आवाज बंद हो गई। बोली भैया ये क्या हो गया? रानी बोली, महाराज वो ब्राह्मण थे देखने में, अगर 14 दिन तक भोजन नहीं किया ऐसे हो ना हो अंदर में प्राण तो नहीं छोड़ दिया, ब्राह्मण थे पर ब्रह्म हत्या की पाप लगेगी, इसलिए दरवाजा खोलो। और खोल करके देखा है ना वहाँ कोई नहीं, वो तो स्वयं जगन्नाथ जी ही अपना रूप बनाने के लिए जगन्नाथ स्वयं आए थे, कृष्ण स्वयं आए थे। जब उन्होंने देखा जैसे कि ठाकुर को देखा है ना, हाथ नहीं इनके, हाथ ऐसे हैं, आंख इतने बड़ी बड़ी, राजा ने देखा मेरी गलती हो गई, क्यों? उन्होंने बताया था 21 दिन में बना दूंगा, लेकिन 14 दिन में हमने खोल दिया, हो सकता है इनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी तो काम हो गई थी, अभी सुंदर आंख निकलने वाला था, अंगुल निकलता, प्यार निकालने वाला था, उसको पहले मैंने खोल दी, मेरी अपराध हो गया। पूरा ठाकुर के चरण में ले गए, ठाकुर जी मेरे अपराध तो माफ कर दो। अरे जगन्नाथ जी स्वप्न दिया, बोले महाराज कोई चिंता मत करो, ये जो रूप है ना इसी रूप में ही मैं प्रकट होने का था, सब मेरी इच्छा है। कहते ना ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, बोले यही मेरी नित्य रूप है। अगर मेरे रूप को देखना चाहते हो एक काम करो, सोने में मेरे रूप धारण करो बनाओ। इसलिए श्री जगन्नाथपुरी में ये जगन्नाथ जी कौन है पहले सुना ना, कृष्ण ही ये जगन्नाथ, बलदेव प्रभु ही ये बलदेव, बीच में सुभद्रा उनकी बहन। जब राम जब प्रभु राम का जन्म तिथि आता है, जगन्नाथ जी को वहाँ पर सोने में बड़े सुंदर छत्री, भगवान के लिए धनुष, श्री कृष्ण को बलदेव प्रभु को बनाया जाता है राम, और श्री बलदेव प्रभु को बनाया जाता है लक्ष्मण, और सुभद्रा को माँ सीता की रूप धारण कर उनकी माँ सीता की रूप उनको दिलाते हैं। इसलिए जब श्री वामन अवतार होते हैं, जैसे भगवान वामन देव बलि महाराज को घर में आए थे, बड़े सुंदर ठाकुर की छत्री धारण करते हैं, जगन्नाथ जी को वामन रूप धारण कराते हैं। जब भगवान नरसिंह देव का नरसिंह अवतार आए, तब भगवान को नरसिंह रूप में कैसे हिरण्यकशिपु को गोद में बैठा करके, जब हिरण्यकशिपु कहता है प्रहलाद को, बताओ तेरे पिताजी तेरे भगवान कहाँ है, तब प्रहलाद कहता है ये बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ, बोले पहले तेरे भगवान को देखूंगा तेरे को बाद में देखूंगा, बताओ तेरे भगवान कहाँ है, क्या ये खंबे में है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर बैठे सतमुच से, नरसिंह देव प्रकट हो गए वहां पर, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, बोले मेरे को क्यों नहीं दिखती है, बोले देखो पिताजी ठाकुर जी को ना ये जड़ आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं मिलता है, बोले प्रेमांजन छुरी तो भक्ति बिलोचने न संत सदैव हृदय सु बिलोपयती, जब हम इन आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाएंगे फिर तो हमें भगवान सर्वत्र दिखेंगे, लेकिन ये हमारी आंखों में कौन बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह बैठा हुआ, इन्हीं आंखों से प्रभु दर्शन नहीं होता, बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाऊंगा बाद में फिर तेरे को दिखाऊंगा। उन्होंने एक मुष्टि का घात मारे कहां पर, खंभे में, खंभे में मारते ही खंभा फट गया और स्वयं नरसिंह देव प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह भगवान की जय, जोर से जयकार करो, अभी ठाकुर जी प्रकट हुए, बोले श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय। इसलिए श्री जगन्नाथ जी को जब जब भगवान जो अवतार में प्रकट होते हैं, इसलिए श्री इंद्रदुम्न महाराज ने सबने सोने के रूप में सारे सोने देकर उन्होंने ठाकुर जी को सुंदर उन्होंने रूप वहां पर श्रृंगार होती है। इसलिए कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और कोई नहीं,
ये स्वयं कौन है? दाऊ भैया, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन चक्र प्रेम में द्रवीभूत होकर के उन्होंने ये रूप गुण ने धारण किया है। देखो जगन्नाथ पुरी कौन कौन गए हो? वहां पर जगन्नाथ जी जहाँ रहते ना, वह द्वारका में रहते, वो द्वारका। और जो वहां पर एक गुंडीचा मंदिर है, देखो जब ये ठाकुर जी को स्थापन कर दिए, जब ठाकुर का स्थापन किए, अभी राजा सोच रहा है, बोले भैया सारा दुनिया क्या बोलेगा, ये मंदिर किसने स्थापन किया? बोले राजा का नाम लेगा, श्री इंद्र तुमने राजा ने बनाया। लेकिन ये जो ठाकुर है ना, मेरे वजह से नहीं हुई है। किसकी वजह से ठाकुर जी प्रकट हुए? बोला किसकी वजह से हुई है? रानी की वजह से। बोले जोर से, माताएं कोई कथा नहीं सुनती, इधर उधर देखती रहती। किसकी वजह से हुई है? उनकी पत्नी की वजह से ये ठाकुर जी प्रकटित हुए। पत्नी का नाम क्या थी? गुंडीचा। अभी राजा सोच रहे हैं सारा दुनिया तो मेरा नाम लेगा, इंद्र तुम्हारा राजा बनाया इंद्रधनु, लेकिन रानी का नाम तो कोई लेगा नहीं। लेकिन रानी की वजह से आज मुझे जगन्नाथ जी दिए, ठाकुर मेरी पत्नी की वजह से दिए। अगर पत्नी नहीं होती ठाकुर प्रकाशित नहीं होते, अगर ये मेरे पीछे नहीं पड़ती तो। इसलिए ऐसे कुछ काम करके जाऊं, जब तक दुनिया रहे तब तक मेरी पत्नी का नाम भी लेते रहे। इसलिए उन्होंने इधर आ जाओ, इसलिए उन्होंने क्या क्या, उन्होंने जो और एक जो मंदिर उन्होंने बनाया उनकी पत्नी के नाम पर बनाया, इसलिए उनका पत्नी का नाम थी गुंडीचा मंदिर। इसलिए श्री जगन्नाथ जी साल में एक बार वहाँ श्री गुंडीचा मंदिर भी जाते हैं। और ये गुंडीचा मंदिर श्री वृंदावन, इनको श्री वृंदावन मानी जाती है। अभी जगन्नाथ जी रहते थे द्वारका में, लेकिन इनकी बड़ी इच्छा होता है साल में एक बार वृंदावन में जाओ, नंद बाबा से मिलो, मैया जसोदा से, दाम वसुदाम, राधा रानी से साल में एक बार तक कम से कम मिलो, बड़ी इच्छा रहती है। देखो हम लोग कहाँ जाना चाहते हो बताओ? जहाँ ज़्यादा प्रेम मिले। अगर कहीं पर जाए हमें ज़्यादा प्रेम मिलता है ना, हम क्या चाहते हैं? वहीं पर हम जाना चाहते। दुनिया प्रेम चाहता है, प्रेम का बिगड़ जगत फीका है। लेकिन इनकी इच्छा है भैया एक बार मैं जाऊँ वृंदावन में ब्रजवासी से मिलूँ। लेकिन अगर एक पति का अगर दो पत्नी हो, अगर पति अगर एक पत्नी को साथ में रहे, बोले भैया दूसरी पत्नी से मैं मिलने जा रहा हूँ, बताओ पत्नी क्या बोली? बोले वहीं पर रह जाना, जरूरत नहीं है आने की, वहीं पर रहा कर। इसलिए अभी जगन्नाथ जी सोचते हैं भैया अगर लक्ष्मी को डायरेक्ट बोल दूँ मैं वृंदावन जाकर गोपी और राधा रानी से मिल करके आऊँ ना, ये तो मेरी खाना पीना हराम कर देंगे। इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते ना, बुखार का लीला करते थे। अब 15 दिन तक कुछ खाते नहीं पीते नहीं, लक्ष्मी को अकेले लेकर के उनको मनाते हैं, सर पर हाथ घुमाते हैं, 15 दिन तक उनको मनाते रहते हैं, बुखार की बहाना बनाते हैं जगन्नाथ जी। 15 दिन के बाद में जो बुखार से उठते हैं, कहते लक्ष्मी तुमने तो देख लिया है ना, 15 दिन तक घूमने नहीं गया, तेरे पास में रहा, तेरे सर पर हाथ घुमाई, तेरे को मनाई, अभी तो तू आदेश दे दे 2 दिन के लिए मैं वृंदावन घूम कर गा। बोले कब आओगे? बोले आज जा रहा हूँ, कल मिलकर मैं परसों आ जाऊँ। अभी जगन्नाथ जब गए ना, जब 5 दिन को बाद में जगन्नाथ जी नहीं आए, इतने लक्ष्मी को गुस्सा आ गई, इतने गुस्सा आ गई, वो तो अपना सैन्य सामंत को सजा धजा कर लेकर गई, और जगन्नाथ जी को जो रथ का पहिया को उसने तोड़ दिया। बोले 2 दिन के लिए, बोले 5 दिन ही हो गया अभी तक नहीं आए, अंदर में जाकर बैठ गई। वहां पर 2 दल होता है, एक गोपियों का दल, एक लक्ष्मी के दल। और ये लक्ष्मी बैठ कर बोले जाओ इस गोपियों को पकड़ पकड़ करके बांध बांध कर मेरे चरण में डाल दो, जा करके जितने ब्रजवासियों के गले में फांस लगा करके सब पकड़ पकड़ कर ला कर लक्ष्मी को नीचे डालते हैं गोपियों को। गोपियां कहती है माँ लक्ष्मी संतुष्ट हो जाओ, हम जल्दी से जल्दी जगन्नाथ जी को हम यहाँ से भेजते हैं। अभी जगन्नाथ जब वापस आते ना 15 दिन बाद में आते हैं, जब 15 दिन बाद में जगन्नाथ जी आए, जब अंदर में घुसे, इतने में लक्ष्मी आकर के दरवाजा बंद कर देती, बोले इनको घुसने नहीं दूंगी, जगन्नाथ जी को घुसने नहीं दूंगी। अभी दरवाजा में लक्ष्मी बैठी है, सबसे पहले दाऊ भैया आते हैं, बलदेव क्या लगते हैं? जेठ। क्या लगते हैं? जेठ। जब जेठ आते हैं लक्ष्मी प्रश्न करती है, उनका दल दूसरे में दूसरे दल है, बोले भैया कौन आए? बोले तुम्हारी जेठ आ रही। बोले भैया जेठ के लिए कोई लड़ाई नहीं, खोल दो, जेठ आ गया। उसके बाद में सुभद्रा आती, सुभद्रा ननंद है, बोले कौन आई? बोले तुम्हारी ननंद आई। आपको पता होगा ननंद कितना तेज है,
बोले भैया नणंद में कोई लड़ा ले झगड़ा नहीं, नणंद के लिए दरवाजा खोल। लेकिन जब लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं, बोले कौन आए, बोले तुम्हारी खसम आए, बोले तेरे पति आए, बोले इनके दरवाजा बंद करो, इनको घुसने मत दिया करो। लक्ष्मी प्रश्न करती है, बोले कितना दिन हो गया, बोल रहे इतना आज जा रहा हूँ, कल परसों आ जाऊंगा, कितने दिन बाद में आए हो। लेकिन जगन्नाथ जी को पता है, इसलिए हरे कृष्ण, इसलिए उन्होंने बोले, लेकिन जगन्नाथ जी को पता है पत्नी को, मतलब पत्नी को खुश करना तो कैसे खुश कर सकता हूँ, बोले तीन चीज से, एक तो उनकी लायक साड़ी ले आओ, उनकी लायक गहना ले आओ, और वो जो पसंद करते हैं ना खाना, उनकी लायक रसगुल्ला ले आओ। जगन्नाथ जी पहले से ही लेकर के आए थे, बोले ऐसे थोड़ी देर हो गया, विदेश गया भी करे तो कुछ ला कर आने चाहिए ना। बोले क्या लाए हो, बोले तू जो लाई भी करते है ना साड़ी, एकदम सोने की एम्ब्रॉयडरी बनारसी साड़ी लाया। और लक्ष्मी सुनकर तो जीभ में पानी आ गया, बोले और क्या लाए जानते हो, बोले क्या लाए हो, बोले तेरे लिए सुंदर गहना लाए, तेरे को तो एकदम सर से लेकर प्यार था, और खुश हो गई। बोले और क्या लाए पता है, बोले क्या, बोले तेरे लाए के रसगुल्ला लाए, इतना सुन करके तो लक्ष्मी का जीभ में पानी आ जाते हैं। कहते गए तो गए, मेरे को याद किया और मेरे लिए लेकर, बोले दरवाजा खोल दो, फिर दरवाजा खोल कर जगन्नाथ को ले जाए। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी इतने प्यारी प्यारी मिला करते हैं। और ये रथ यात्रा नहीं, ये राधा रानी के हृदय है, राधा रानी अपना हृदय में कृष्ण को बैठा करके, और ये जो रथ खींचती है ना, ये गोपियां उनको ले जाती है वृंदावन। आप लोग इसी भाव से जगन्नाथ जी रथ को खींचते हुए चलना। और एक बात सुनो, ज्यादा जोर से खींचना नहीं, क्योंकि रथ में कोई ब्रेक नहीं है, नहीं तो रथ में आपका परम चली जाएगी। एक साथ में खींचने के लिए कोशिश नहीं करना, थोड़ी 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 खींचना, रस्सी को पकड़ते रहोगे ना, अपने आप रथ चलते हुए चलेगी, ठीक है। कीर्तन करते करते चलो, देर हो गई है, कीर्तन करते करते चलो, हम चलते हैं। बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलदेव प्रभु की।